भारताने पाकिस्तानवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर पाकिस्तान भारताला प्रत्युत्तर देईल अशी खुली धमकी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दिली आहे. भारतातील मीडिया आणि राजकारणी पाकिस्तानला दोष देत आहेत, ते न्यायव्यवस्थेच्या वरती आहेत का? आणि हल्ला करणं हा उपाय नसून चर्चा करून हा मुद्दा सोडवला जाऊ शकतो असं सुद्धा इम्रान खान यांनी म्हटलंय. काय म्हटलंय इम्रान खान यांनी, चला तर पाहूया. और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया. लेकिन हमारा एक बहुत अहम विजिट थी, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे. लिहाजा मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी. इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं और मैं ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं. पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है. अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाकया करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए? और अगर ये ना भी होती उनकी विजिट, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास, हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक व्हिपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप. मैं आपको वाजे तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है. हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे. हम स्टेबिलिटी चाहते हैं. तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं. अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे. और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं. अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है. और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए. मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं. दहशतगर्दी एक सारे खत्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खत्ते में दहशतगर्दी खत्म हो. पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है. 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में. हमारा 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से. लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए. लेकिन मैं आपसे आखिर में दो चीजें कहना चाहता हूं. देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है. कोई तो वजह होगी. क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? और दूसरी चीज, हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं,
पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से। पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात भारताचे 40 हून अधिक जवान शहीद झाले। खरतर हा प्रसंग घडल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केलेले वक्तव्य म्हणजे चोर तो चोर वरती शिरजोर असंच आहे। या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषक शेषाद्रीचारी यांनी काय म्हटलंय ते पाहूयात। नाही, ज्याला हिंदीत म्हणतात ना उलटा चोर कोतवाल को डाटे, अशी स्थिती आहे। भारतांनी कधी असं म्हटलं नाही की आम्ही हल्ला करणार। हां, काहीतरी प्रतिक्रिया करणं आवश्यक आहे हे सगळ्यांचंच म्हणणं आहे। एकतर हे पूर्णपणे साबित झालेलं आहे की जैश ए मोहम्मद यांनी या पुलवामाच्या घटनेला जबाबदारी स्वीकारलेली आहे। जैश ए मोहम्मदचा कर्ता धर्ता पाकिस्तानमध्ये आहे, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तानमधूनच काम करते हे सगळ्यांना माहिती आहे, जगजाहीर आहे। किंबहुना युनायटेड नेशन्सनी आणि US आणि अन्य देशांनी पण स्पष्टपणे म्हटलं आहे की जैश ए मोहम्मदला त्यांनी एक इंटरनॅशनल टेरर ऑर्गनायझेशन घोषित केलेलं आहे आणि जैश ए मोहम्मदचे जे प्रमुख आहे त्यालाही इंटरनॅशनल टेररिस्ट घोषित करण्यामध्ये फक्त चीन सोडून बाकी सगळ्यांचा होकार आहे। अशा स्थितीत पाकिस्तानी एक प्रकारचा होलियर दॅन दव ॲटिट्यूड घेणं हे बिलकुल त्याला काही शब्दच नाही आहे आणि पाकिस्तानकडून आणखी नवीन भिन्न अपेक्षाही नाही आहे खरं म्हणजे। त्यामुळे प्रत्यक्ष घटना घडल्याबरोबर पाकिस्ताननी या घटनेचा निषेध करायला हवा होता आणि सिमला कराराचा अंतर्गत पाकिस्ताननी स्पष्टपणे लिहून दिला आहे की पाकिस्तानची जमीन किंवा पाकिस्तानचा कब्जेत असलेल्या कुठलाही प्रदेश किंवा जमिनीचा वापर भारताविरुद्ध आतंकी कारवाईसाठी आम्ही करू देणार नाही, होऊ देणार नाही असं त्यांनी स्पष्टपणे लिहून दिलं आहे। पण सिमला कराराचा धज्जी उडावून त्यांनी अनेक गोष्टी अशा केलेल्या आहेत, त्यामुळे याच्यापुढे पाकिस्तानवर विश्वास करणं किंवा पाकिस्तानचा कुठलाही नेतृत्वावर विश्वास करणं हे भारताचा हितामध्ये नाही आहे। पाकिस्तानशी चर्चा करणं अशक्य आहे कारण आत्तापर्यंत जेवढे प्रयत्न झालेले आहेत फक्त आजचे पंतप्रधान नसून याच्या अगोदरचे सगळ्या पंतप्रधानांनी चर्चा करायची प्रयत्न केली आहे। 1971 पासून चर्चा चालूच आहे पण पाकिस्ताननी स्पष्टपणे ठरवलेलं आहे की चर्चेतून काही निघणार नाही आणि जेव्हा जेव्हा भारतानी प्रयत्न केला, याच्या अगोदर नरसिंहरावनी प्रयत्न केला चर्चा करण्याची, त्यांना ती चर्चेचा काही फायदा निघाला नाही। अटल बिहारी वाजपेयी बस घेऊन गेले पाकिस्तानमध्ये, त्याच्यानंतर कारगिल झाला। डॉक्टर मनमोहन सिंगनी चर्चेची सुरुवात केली, डॉक्टर मनमोहन सिंग तर इथपर्यंत म्हणाले की वी कॅनॉट रीड्रॉ बॉर्डर्स बट वी कॅन मेक देम इररेलेवंट, इथपर्यंत गेले ते। तरीसुद्धा पाकिस्ताननी काही केलं नाही आणि किंबहुना पार्लमेंटवर हल्ला,
त्यानंतर अनेक नऊ मुंबई अटॅक अशा अनेक प्रकारचं आपल्यावर हल्ले झाले. आत्ता या सरकारामध्ये सुद्धा पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पाकिस्तानशी दोस्ती करायची खूप प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम एकतर उरी अटॅक, एक पुलवामा अटॅक आणि याच्या पलीकडे आणखीन अशा प्रकारचे अनेक हल्ले झालेले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानशी चर्चा करून पाकिस्तान रस्त्यावर येईल किंवा आतंकी कारवाई बंद करेल असं कोणालाही वाटत नाही, म्हणजे पाकिस्तानमधले देखील लोकांना वाटत नाही. एक दुसरं, पाकिस्तानशी चर्चा करणे म्हणजे नेमकं कोणाशी चर्चा करायचं, कारण पाकिस्तानमध्ये जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, निवडणुकीतनं वर आलेले जे लोक आहेत, ते खरं म्हणजे शॅम निवडणूक ज्याला आपण म्हणतो तसं प्रकारचं आहे. पाकिस्तानमध्ये सर्वात जास्त सत्तेचा जो सत्ता ज्याला म्हणता येईल तर वास्तविक सत्ता पाकिस्तानच्या सैन्याकडे आहे, आर्मीकडे आहे. आणि पाकिस्तानचा आर्मीने ठरवलं आहे की काही झालं तरी भारताशी आपण वार्ता करायची नाही, बोलणं करायची नाही, आणि वी विल इन्फ्लिक्ट 1000 cuts अँड ब्लीड यू टू डेथ. हे पाकिस्ताननी 1970 सांगितलेलं आहे बांगलादेश युद्धानंतर. त्यामुळे पाकिस्तानशी बोलणी करणं, चर्चा करणं ही वेळ गेलेली आहे. आता याच्यापुढे काही होऊ शकत नाही.